सीरीज एलसीआर सर्किट है और कैपेसिटर के अंदर हम डाइइलेक्ट्रिक डाल दे रहे हैं, ठीक। और इसने कहा है कि जो फ्रीक्वेंसी वो पहले ही से रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम है। रेजोनेंस की बात हो रही है तो हमने ग्राफ बना दिया, हम इस सेक्टर में काम कर रहे हैं, यहां कहीं पे हमारी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अब क्या डाइइलेक्ट्रिक स्लैब डाल देंगे तो जो एक्सी होता है इसकी वैल्यू क्या होती है, एक्सी की वैल्यू होती है 1/ωc, और डाइइलेक्ट्रिक डाल के हमने सी को बढ़ा दिया, सी को बढ़ा दिया तो एक्सी कम हो जाएगा। एक्सी को देखो वो पहले यहां पर था जब एक्सी बड़ा था एक्सएल से, ठीक। अगर मैं एक एक्सिस पे दिखाऊं एक्स को, ठीक है ना, तो एक्सएल एक्सी बड़ा है, एक्सी यहां पर है और एक्सएल इससे छोटा है यहां पर है, और आप जानते हो जो नेट रिएक्टेंस होता है एक्स, ये होता है एक्सी माइनस एक्सएल, यानी दोनों का जो डिफरेंस है ये नेट रिएक्टेंस है एक्स। अब हमने क्या किया, एक्सी को छोटा कर दिया। अब यहां पे इस क्वेश्चन में ये माना गया है कि एक्सी को थोड़ा सा छोटा किया है, अगर डाइइलेक्ट्रिक डालने से थोड़ा सा छोटा हो गया, ठीक, तो ये जो डिफरेंस है एक्स की वैल्यू कम हो गई, यानी ऐसा करने से क्या होगा, एक्स डिक्रीज कर जाएगा, एक्स डिक्रीज करेगा तो जेड डिक्रीज कर जाएगा, और जेड अगर डिक्रीज करेगा तो आईएम इंक्रीज कर जाएगा, तो ए आंसर दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन को लिखने वाला मेरे ख्याल से यह भूल गया है कि डाइइलेक्ट्रिक डालने से हो सकता है एक्सी कम होकर के यहां कहीं आ जाए और जो डिफरेंस है वो काफी बड़ा हो जाए, ठीक है ना, और ये ग्राफ इधर की बजाय इधर कहीं आ जाए, तो उस केस में करंट बढ़ेगी नहीं बल्कि कम हो जाएगी। खैर जो आंसर है वो इसी के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, तो ए हमने राइट आंसर कर दिया।